तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें कि बोधिया था सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा वाला घर। ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान उन्होंने ऐसा कहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके कई करीबियों से पुलिस की पूछताछ जारी है और हाल ही में उनके गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। लेकिन अब जो खुलासा रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से बात करते हुए किया कि जो काफी ज्यादा चर्चा में और लोग इसकी अफवाह भी बता रहे हैं। पेमिंग मून की माने तो रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा वाला घर भूतिया है। जी हां, उन्होंने उस घर के हॉन्टेड होने का दावा किया है। इस खबर के सामने आने के बाद उसके लोग अफवाह बता रहे हैं। रिया ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के इस घर पर अंकिता लोखंडे से अलग होने के बाद शिफ्ट हुए थे। वो ना सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट हुए बल्कि उन्होंने एक पार्टी भी दी थी। बिल्डिंग के लोगों का कहना है कि खबर यह भी है कि बिल्डिंग के लोग सुशांत के घर वाले होने वाली पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसा करीबियों का कहना है। सुशांत सिंह के मौत के बाद हालांकि सच यह है क्या है हमें अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो सुशांत सिंह के साथ ही चला गया लेकिन उनके करीबियों डिप्रेशन का जिक्र कर रहे थे। सुशांत सिंह के मौत के बाद सोशल मीडिया पर मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ और लोग लगातार नेपोटिज्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिग्गज लपेटे में कुछ बहुत बड़े दिग्गज है बॉलीवुड, कुछ जो बहुत बड़े लपेटे में हैं। इस मामले बॉलीवुड के कई दिग्गज लपेटे में हैं और उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सलमान खान हो गया, करण जौहर हो गया, एकता कपूर हो गई और ऐसे बहुत सारे बड़े दिग्गज जिनको बहुत सारे यानी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो वर्क फ्रंट पर आपको बता दें कि वर्क फ्रंट की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म काई पोचे से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे काफ़ी हिट साबित हुई थी। दिल बेचारा ऐसी ये फिल्म था का नाम था। इस फिल्म वो फिल्म दिल बेचारा को लेकर चर्चा में चल रहे थे जिसमें उनके साथ संगना सांगी नज़र आने वाली थी इस फिल्म में दिल बेचारा में। लेकिन इससे पहले वो उनको सुसाइड केस हो गया OTT प्लेटफॉर्म। अब ये फिल्म उनके बिना ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी जबकि उनके फैंस की मांग है कि वो इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भावुक हुई सरर राय। तो हम इसके बारे में अगले आपको वीडियो बताएंगे कि क्या भावुक हुई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में नाइट सेक्शन जरूर बताना और ये हमें बताओ सुशांत सिंह के मौत का कारण कौन है। कारण जौहर है या आलिया भट्ट है या एकता कपूर है या सलमान खान है, ये कौन है सारे मेरे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताओ। मैं आपके कमेंट को अगले वीडियो पर जरूर पढ़ूंगा। धन्यवाद।